वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे दास दे नाल जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी विराजमान हैं। नाल ही तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी माल सिंह जी वो भी विराजमान हैं। नाल ही सिंह साहब ज्ञानी गुरमुख सिंह जी जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब और हैड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब विराजमान हैं। सो ऐसी एक संस्था पंथ दुखी पैदा हुई है जो बहुत सोची समझी साजिश के अधीन वो दसम पातशाह की बाणी ते किंतु करन दे बहाने वो दसम पातशाह तो ही दूर करना चाहते हैं खालसे नूं, क्योंकि जो दसम पातशाह की बाणी का विरोध हो गया तो दसम पातशाह का ही वो सीधा विरोध है। ऐसे जिन्होंने अपना नाम ग्लोबल सिख कौंसल करके रखिया है, 30 देशों में उन्होंने अपनियां जड़ां फैलाईयां हुई हैं। कई ऐसे गुरु घरां दे प्रबंधक हैं जिन्हां नूं सोझी नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन्हां दे मगर ला के वो अनजाणपुणे विच ही दसम पातशाह दी बाणी दा विरोध कर रहे हैं। भी मलेशिया दे कई गुरु घरां दे ऐसे प्रबंधक हैं जो वो पंथ दोखी लोग जिहड़े हैं जिन्होंने ग्लोबल सिख कौंसल बनाई है उन्होंने प्रभाव थले आ रहे हैं, उन्होंने चिट्ठियां असर कर रहे, जदों कि उन्होंने कोई वैल्यू नहीं है, कोई उन्होंने मुढ़ नहीं है, कोई मूल नहीं है, ना उन्होंने को कोई सिखी सिद्धांत है, ना उन्होंने को सिखी रहत मर्यादा है, ना उन्होंने जो किसी पांच बाणियां ही याद होनगियां। ऐसे लोग उन्होंने गल्लां ते असर करके साडे प्रबंधक जो हैं वो गुरु घर के कहें भी दसम पातशाह की बाणी का कीर्तन नहीं हो सकता, इसकी कथा नहीं हो सकती, इहोजियां ये विचार चल पईयां हन जो बहुत ही घातक हैं तो बहुत ही दुखदाई हैं। इहदे वास्ते सानू सारे पंथ नूं सुचेत होना चाहिए है तो ऐसे डिंबी पखंडी लोग जिहड़े अपने आप नूं सो सिख कौंसल के नाँ ते आगू कहाउंदे हन जबकि उन्हां दा कोई मूल मुढ़ मुद्दा ही नहीं है। सो उन्हां दे वास्ते जदों पता लग्गिया तुरंत ही तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब पंज प्यारे सिंह साहिबर वल्लों एक खास करके जो हुक्मनामा आदेश जारी किया गया है वो सारे संसार दियां जिन्नियां भी सिंह सभावां हन जिन्ने भी गुरु घर हन उन्हां दे प्रबंधकां नूं संबोधन करदिआं होइआं सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विशा श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की बाणी की कथा अते कीर्तन बारे पंज प्यारे सिंह साहिबान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दास इकबाल सिंह खालसा जथेदार भाई रजिंदर सिंह हैड ग्रंथी भाई बलदेव सिंह सीनियर ग्रंथी भाई दलीप सिंह मीत ग्रंथी भाई गुरदयाल सिंह ग्रंथी ये पंज सिंह साहिब जो पंज प्यारे हैं तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे उन्हां वल्लों ये सारे संसार दे प्रति आदेश संदेश दिता जा रहा है। कीर्तन ते कथा गुरु घरां विच होंदी आई है अते अज भी पंजां तख्तां ते होर गुरु घरां अंदर इसका कीर्तन ते कथा हो रही है। जदों के जदों तो इस बाणी नूं इकट्ठा करके श्री दसम ग्रंथ साहिब जी का रूप दिता गया उस समय तो तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब जी विखे प्रकाश भी किया जाता है। ये सारे पंथ का फैसला है कि दसम ग्रंथ साहिब जी की बाणी का कीर्तन कथा गुरु घर अंदर हो सकती है। किसी भी संस्था नूं श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की बाणी उपर किंतु परंतु करन दा कोई अधिकार नहीं है। यह सारे पंथ का फैसला है किसी एक का नहीं कि ऐसे
दोखियां नू जो दसम पातशाह दी बाणी दा विरोध करदे हन उन्हां नू जिथे मूँह तोड़वा जवाब देना है उत्थे उन्हां नू मूँह वी नहीं लाउणा ते ना उन्हां दी किसे गल दा ना उन्हां दी किसे चिट्ठी दा असर करना है। जिहड़ा उन्हां मगर लगेगा वह भी फिर उन्हां दे नाल ही दसम पातशाह दी बाणी दा विरोधी ते गुरु पंथ दा वह दोखी होएगा। ये सारे संसार नू संदेश दिता जा रहा है। सो ये सारे संसार दियां संगतां इस गल दा ध्यान रखन जे ग्लोबल सिख कौंसल ये पंथ दोखी कारवाइयां कर रही है, इस करके संगतां इन्हां तो सुचेत रहन। किसे भी इन्हां दे चिट्ठी पत्र दा कोई भी असर नहीं होना चाहिए, जिहड़ा असर मन्नेगा वह भी फिर इन्हां दे नाल ही डुब्बेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल।